कहते हैं रक्षक ही अगर भक्षक निकल जाए तो आदमी किस पर भरोसा करे। संभल जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि एक सरकारी मुलाजिम के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बात 16 जनवरी की है। चंदौसी की रहने वाली एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ चंदौसी स्टेशन पहुंचती है। महिला को देहरादून एक्सप्रेस पकड़कर सूबेदारगंज जाना था, जो प्रयागराज के करीब है। महिला ने सामान्य टिकट खरीदा और बच्चे के साथ स्टेशन पर इंतजार करने लगी। आरोप है कि उसी वक्त राजू सिंह नाम का टीटीई उसके पास आता है और बातचीत करने लगता है। राजू सिंह की माने तो महिला को वो पहले से जानता था और उससे अक्सर व्हाट्सएप पर चैट भी करता था। राजू ने महिला से पूछा कि कहां तक जाना है। महिला ने बताया कि वो सूबेदारगंज जा रही है। टीटीई राजू ने उसे कहा कि चलो एसी कंपार्टमेंट में बैठा देता हूँ। पहले तो महिला ने जाने से इनकार किया, लेकिन जान पहचान की वजह से वो राजी हो गई। महिला का आरोप है कि राजू ने एक दूसरे टीटीई के साथ मिलकर उसे एसी फर्स्ट क्लास में बैठा दिया। रात करीब 10 बजे आरोपी राजू महिला के पास आया और उसे खाने के लिए पूछने लगा। महिला ने मना किया तो उसने उसे पीने को पानी दिया। पानी पीने के बाद महिला बेहोश हो गई और आरोपी राजू और उसके साथी ने उसके साथ बारी बारी से मुंह काला किया, वो भी उसके 2 साल के बच्चे के सामने। इस घटना को लेकर जब आरोपी राजू सिंह से बात की गई तो उसने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कह दिया कि सीट नहीं देने की वजह से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सीट की वजह से ये सब कुछ हुआ तो महिला एसी कोच में कैसे पहुंच गई, वो भी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। क्या हुआ था महिला के साथ, आपने क्या किया था? है? महिला आपका नाम कैसे ले रही है? सर, पुरानी दुश्मनी है, मुझे जानती थी और मैंने सीट नहीं दी, इसलिए मुझसे उस दिन। महिला तो कह रही है आपने उसको एसी कोच में सीट दी थी, जनरल का टिकट था उस पर। मैंने नहीं है? मैंने नहीं दी। अच्छा, कब से जानते हैं? कौन था आपके साथ? आपके साथ एक आदमी और था, जसवंत। जसवंत 95 है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? टीटी है साथ में। आपके साथ दूसरे टीटी है वो भी? अच्छा, उनका भी नाम ले रही है वो इसी कांड में? दुष्कर्म किया? नहीं, नाम नहीं लिया, मैंने भेज दिया उनको। वो मुझसे कह रहे हैं कि वो एसी वाली टीटी कहाँ, मैंने पीछे होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर उनसे बात कर लूँ। नहीं, बात कर लूँ। नहीं, उनका आरोप आपने, आप ऐसी नहीं ले गए उनको? जी सर, मैं नहीं ले गया। उनका आरोप तो यही है ना, आप ले गए ऐसी? मैं नहीं ले गया। मैं तो, कब से जानते थे आप उनको, कब से? मुझे तो वैसे आने जाना था स्टेशन पर, आती जाती थी तो जान पहचान थी। मोबाइल पर भी बात होती थी आपकी? 2-3 साल से जानती थी। क्यों, मोबाइल पर भी बात होती थी आप लोगों की? चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी, वैसे बातचीत होती थी। कब से हो रही थी बातचीत आपकी फोन से? 1-2 साल से हो रही थी, 2-3 साल। यानी पहले से परिचित थी वो आपके साथ? आप ही ने उनको एसी कोच में दिलाया था? नहीं, सीट नहीं दिलाई। फिर वो आप पर ऐसा आरोप क्यों लगा रही है जब आपको 2 साल से जानती है? तो आपने कुछ किया होगा? नहीं किया। दूसरे व्यक्ति कौन थे? जसवंत। कहाँ है वो इस टाइम? वो घर पे है। घर पे है। हालांकि घटना के बाद महिला ने डायल 139 पर आप बीती सुनाई, जिसके बाद महिला के लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद 21 तारीख को आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ घटना को अंजाम देने वाले दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। ट्रेन में कोई दुष्कर्म का मामला हुआ है, FIR दर्ज हुई है, क्या मामला है पूरा? हाँ, वादनी ने, एक महिला ने एक तहरीर दी है जिसके आधार पर यह बताया है कि 16 जनवरी को जब वो चंदौसी से सूबेदारगंज प्रयागराज के पास आई, स्टेशन जा रही थी, तो स्टेशन पर ही यहाँ चंदौसी में काम करने वाला टीटी राजू सिंह, जो उसका पहले से पूर्व परिचित है, उसको, उससे बातचीत हुई और उसने उसको एसी फर्स्ट क्लास के कोच में भेज दिया। और जब ट्रेन चल दी है, जब ट्रेन चल दी है तो वो चंदौसी से अलीगढ़ के बीच में रात में 10 बजे के आसपास उसने इनके साथ दुष्कर्म किया है। इनके महिला का कहना है कि उसके साथ एक व्यक्ति और था जिसको वैसे नहीं पहचानती है, शक्ल से पहचान सकती हैं। हालांकि मैंने कई टीटियों को और बाकी लोगों को दिखवाया था जिनको पहचान नहीं पाई थी, तो उसके आधार पर 376D का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और टीटी राजू सिंह की अरेस्टिंग हो गई है। आरोपी अभी एक और फरार है? आरोपी अभी फरार ही नहीं कहेंगे, बल्कि अभी उसको पहचानना बाकी है या उसकी विधिक कार्रवाई चल रही है,
इसको ट्रेस किया जा रहा है कि वो आरोपी कौन है दूसरा।